न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। टीकमगढ़ से खबर है, जहां पर लोधी समाज के लोगों का हंगामा लगातार जारी है। हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे हैं लोग और लोधी समाज के लोगों ने विरोध जताया है। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ नारेबाजी की गई, कार्रवाई की मांग को लेकर प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है। तो देखिए, अब बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर कास्टिज्म को लेकर दोनों पक्षों के बीच वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। लोधी समाज के लोग अब सड़कों पर उतरे हैं, बड़ी संख्या में देखिए यहाँ पर प्रदर्शन किया गया और प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है। धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ लगातार नारेबाजी की गई और यहाँ पर सीधा सीधा अल्टीमेटम भी दिया है। कार्रवाई की मांग को लेकर प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है। देखना होगा इसके बाद क्या नई तस्वीर निकलकर सामने आती है, क्योंकि लगातार ये बवाल अब थमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। दोनों पक्षों के बीच वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग और धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ नारेबाजी की गई। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। टीकमगढ़ में प्रीतम, लोधी के समर्थकों का हंगामा लगातार जारी है। लोधी समाज के लोगों ने विरोध जताया है और भिंड और टीकमगढ़ दो तस्वीरें कल और आज की, देखिए किस तरीके से लोधी समाज उग्र प्रदर्शन की ओर बढ़ रहा है। सीधा सीधा अल्टीमेटम दिया है और प्रशासन को हालांकि ज्ञापन भी सौंपा है। भिंड में हुए पथराव में पुलिसकर्मी बीते दिन घायल हुए थे और आज की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। तो प्रीतम लोधी पूर्व सीएम उमा भारती के करीबी बताए जाते हैं, जब से उन्होंने ब्राह्मण समाज के खिलाफ टिप्पणी की है। उसके बाद हालांकि बीजेपी ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित भी किया है। उसके बाद प्रीतम लोधी का कहना था कि अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो मैं माफ़ी मांगूंगा, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं उनका कहना था कि पार्टी से निकालना वो कहीं डाइजेस्ट नहीं कर पाए थे। उसके बाद से लोधी समाज के लोग लगातार विरोध कर रहे हैं और आज भी देखिए कल और आज की तस्वीरें, अलग अलग तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है, बड़ी संख्या में लोधी समाज के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। कहीं ना कहीं मनमानी का आरोप भी यहां पर लगा है। बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। भिंड की कल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। भिंड में जब कल प्रदर्शन कर रहे थे तो यहां पर कई पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए थे। ये प्रदर्शन उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है और आज भी टीकमगढ़ में बड़ी संख्या में लोधी समाज के लोग सड़कों पर उतरे। जी हाँ, कायम रहेगी खूनी परंपरा। छिंदवाड़ा की बात करते हैं, जहां पर पांडुर्णा के जाम नदी पर कल विश्व प्रसिद्ध गोठपार मेले का आयोजन किया जाएगा। प्रशासन की सख्ती और धारा 144 लगे होने के बावजूद भी यहां पर नदी के दोनों तट पर लोगों ने बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली से लाकर पत्थर इकट्ठा किया है और इसका उपयोग गोठमार मेले में किया जाएगा। नदी के चारों तरफ हर जगह बड़ी संख्या में पत्थरों के ढेर दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध गोठमार मेले की परंपरा निभाने की पीछे कई कहानियां जुटी हुई है। गोठमार मेला सदियों से मनाया जा रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो समय गुजरने के साथ ही मेले में काफी बदलाव आया हुआ है। पहले एक हद पर रहकर परंपरा के मुताबिक मेला आयोजित होता था, लेकिन अब मेले का स्वरूप बेशक बदल गया है, जहां पर मेले में खूनी खेल खेला जाता है। हालांकि आपको बता दें कि 1998 में तत्कालीन कलेक्टर ने यहां पर पत्थर की जगह रबर के गेंद का इस्तेमाल करने की बात कही थी, लेकिन इसके बावजूद लोगों के सर पर देखिए आस्था किस तरीके से सवार है। हर बार यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है, कई लोगों की मौत भी होती है, जख्मी होते हैं, लेकिन इसके बावजूद देखिए कल भी इस मेले का आयोजन के लिए हालांकि प्रशासन की तरफ से यहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, धारा 144 लागू की गई है, लेकिन इसके बीच सवाल ये उठता है कि आखिर इतना पत्थर यहां पर आया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए प्रशासन ने इलाके में धारा 144 लगाई है। 4 या 5 से लोग एक जगह एकत्रित नहीं हो सकते, लेकिन इसके बावजूद ट्रैक्टर ट्रॉली से यहां पर पत्थर लाया गया है। कल मेले का आयोजन होना है, लेकिन इसके बावजूद इंतजाम देखिए, दो गांव यहां पर पांडुर्णा और सानरवाव गांव जाम नदी में यहां पर बाकायदा नदी में झंडे को गाड़ा जाता है और शराब जो बिगड़ी है, शराब के कारण मरते हैं पानी में।
तुमने समझते है कोई तो भगवान मेरा नाम होता है लेकिन शराब भी क्या शराब पीते तो मरता नहीं जाता बस में रहता देर होश हो रहते तो आप चाहते घुटमार इस साल भी होना चाहिए नहीं तो होगा इतना अपने को यक्त से नहीं होता ना वो तो जनता का काम है वो जनता चाहती है वैसा होगा ना सालों मतलब आपके सारी पीढ़ी खेलते आ रही है बिल्कुल इस बार भी आप खेलोगे बिल्कुल खेलेंगे ये परंपरा है हमारे गांव की शान है पांडुनी की आप इसे अपने पांडुरंग शान मानते हो पांडुरा घुटमार मेले को बिल्कुल मानते हाँ पहले की स्थिति ये थी कि हम लोगों की ऐसी मान्यता थी किसी को भी रक्त नहीं निकला करता था केवल ऐसा घूमता जैसा आ जाता था पत्थर लगता था तो और चंडी माता के मंदिर पे जाता था वो व्यक्ति वो खिलाड़ी जाता था और अब वो वहाँ पे अब उनकी जो निकली हुई जो भगूती है जिसको राख जो होती है वहाँ पे अगरबत्ती से निकली हुई उसको लगाता था और वो ठीक हो जाता था ऐसी मान्यता थी जी हाँ बारिश घमासान है लेकिन तैयार जवान है। इटारसी के नेशनल हाईवे 69 पर सुखतवा पुल पर बारिश का पानी आने से यातायात पूरी तरीके से ठप पड़ा था। ऐसे में वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सुखतवा पुल के बगल में बैली ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है और आज आर्मी ने बैली ब्रिज का निर्माण शुरू कर दिया है और आर्मी की 102 वीसी इंजीनियरिंग बटालियन युद्ध स्तर पर बैली ब्रिज का निर्माण कर रही है। बताया जा रहा है कि ब्रिज की क्षमता 40 टन की है। तो देखिए देवदू बनकर हमारी सेना जहां सरहद पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं हमारी रक्षा करते हैं तो यहां पर भी डारसी की बात की जाए यहां पर बैली ब्रिज बनाकर अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं देवदूत बनकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। बैली ब्रिज बनाने से जाहिर सी बात है लोगों को काफी सहूलियत होगी क्योंकि जिस तरीके से नदी नाले उफान पर है लगातार मूसलाधार बारिश के चलते मध्य प्रदेश के कमोवेश जिलों में हालात ऐसे ही है लेकिन यहां पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी इंद्रपाल सिंह जुड़े हैं। इंद्रपाल देखिए बैली ब्रिज बनाने का काम शुरू किया है सेना की तरफ से कितने दिनों में ये ब्रिज बनकर तैयार होगा? हमारे इंद्रपाल क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी मिल रही है। जी आ रही है जी बताइए जरा किस तरीके से इस बैली ब्रिज का निर्माण सेना की तरफ से किया जा रहा है? मैं आपको बता दूं कि सुखतवा नेशनल हाईवे जो इटारसी का नेशनल हाईवे कहलाता है और इस सुखतवा नेशनल हाईवे के पुल की जो स्थिति पूर्व में जो निर्माण कार्य कराया गया था उस पुल की स्थिति बहुत गंभीर है क्योंकि बारिश के समय में उस पुल पर आधा आधा फीट पानी भरा जाता है जिसके कारण यातायात में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सेना के द्वारा जो भोपाल की एक कंपनी की सेना है जिसमें 102 सेना के जवान और कर्नल शामिल है उनके द्वारा बैली ब्रिज का निर्माण कार्य यहाँ इटारसी के सुखतवा में कराया जा रहा है और आज सुबह लगभग 6 बजे से सेना के जवान जो है वो पुल के निर्माण कार्य के लिए यहाँ पर पहुंच गए हैं और लोहे का सामान भी भारी मात्रा में जो पुल के निर्माण में लगाया जाना है वो सामान भी पूरी तरह से यहाँ पर पहुंच गया है। सेना के जवान सुबह 6 बजे से लगे हुए हैं इस पुल का निर्माण करने के लिए। हमारी सेना के कर्नल से बातचीत हुई इसके मेहता से बातचीत हुई उनने कैमरे पे तो हमको जानकारी देने से मना कर दिया मगर उन्होंने बताया कि 3 से 4 दिन में इस पुल का निर्माण कर लिया जाएगा। सेना को सलाम वो हर एक जगह पर मोर्चा संभालते हुए नजर आते हैं। देवदूत बनकर देखिए यहाँ पे किस तरीके से इस ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है किस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है और कितने दिन में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा? ये तकनीक तो उस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है कि जो सेना जब लड़ते समय जब सरहद पे लड़ते समय उनको कोई रास्ता नहीं मिलता है तो वो स्क्रू और नटों के माध्यम से इस पुल का निर्माण करते हैं। उसी तर्ज पे इस पुल का निर्माण कार्य सेना द्वारा यहाँ पर कराया जा रहा है। सुबह 6 बजे से सेना के जवान यहाँ पर पुल के निर्माण कार्य में लगे हुए हैं और जहाँ जो यहाँ सुखतवा जो ब्रिज का ब्रिज जो बैली ब्रिज का जो निर्माण हो रहा है आधे आधे किलोमीटर तक सेना द्वारा वो जगह को घेर दिया गया है। किसी को आने जाने की परमिशन भी नहीं दी जा रही है और सेना पूरे युद्ध स्तर पर इस पुल का निर्माण कार्य में लगी हुई है। ठीक है इंद्रपाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कहते हैं गुलाम नबी को कांग्रेस से आजाद हो गए वो। जी हाँ कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस से इस्तीफा हो चुका है। कांग्रेस के सभी पदों से आजाद ने इस्तीफा दे दिया है। कुछ दिन पहले ही प्रचार समिति से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 2 घंटे के भीतर उन्होंने इस्तीफा दिया था और आज एक बार फिर से बहुत बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। हालांकि उनका कहना है कि वो अब जम्मू कश्मीर वापस जाएंगे और वहां पर एक नई पार्टी का
गठन करेंगे और उसके बाद से लगातार इस्तीफों की झड़ी लग गई है। कांग्रेस के 5 पूर्व विधायक जम्मू कश्मीर से अब तक इस्तीफा दे चुके हैं। तो आजाद के समर्थन में जम्मू कश्मीर के कई कांग्रेस नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे का दौर लगातार जारी है। देखना होगा अब जम्मू कश्मीर में क्या नई तस्वीर बनकर निकलकर सामने आती है, क्या नया सियासी समीकरण बनता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं और जब राज्यसभा सांसद का कार्यकाल उनका खत्म हुआ था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उनकी काफी तारीफ की गई थी। तो आजाद के समर्थन में जम्मू कश्मीर के कई कांग्रेस नेताओं का इस्तीफा सामने आया है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के 5 बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ी है। जीएम सरूरी हाजी अब्दुल राशिद ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। मोहम्मद अमीन भट्ट, गुलजार वानी, चौधरी अकरम ने भी कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया है। तो देखिए एक के बाद एक कई बड़े नेताओं ने अब तक इस्तीफा दे दिया है और देखना होगा कि ये सिलसिला कहाँ जाकर थमता है। तो गुलाम नबी आजाद का ये कहना है कि वो जम्मू कश्मीर जाएंगे, नई पार्टी का गठन करेंगे, चुनाव भी होने वाले हैं। देखना होगा कि पूर्व सीएम जम्मू कश्मीर के वो रह चुके, एक्सपीरियंस उनके पास अच्छा खासा है, कांग्रेस के वो दिग्गज लीडर रहे हैं और अपने अनुभवों का खजाना लेकर जम्मू कश्मीर को क्या नई सौगात देते हैं ये आने वाला वक्त ही बताएगा। गुलाम नबी आजाद की अच्छी बात ये कि वो हर एक पार्टी के साथ बैलेंस रखकर चलते थे। जब उन्होंने राज्यसभा सांसद का उनका कार्यकाल कंप्लीट हो रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भावुक हुए थे और कांग्रेस में तो उनका अच्छा खासा होल्ड था ही था, लेकिन वो कहीं ना कहीं नाराज चल रहे थे कांग्रेस से। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी से इस्तीफा देने के बाद से एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की गुलामी से अब गुलाम नबी आजाद हुए हैं। वीडी शर्मा ने कहा कि राहुल की अगुवाई में कोई भी नेता काम नहीं करना चाहता है। यही नहीं, वीडी शर्मा ने कहा कि इसका असर अब मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। वीडी शर्मा से बात की हमारे संवाददाता राकेश चतुर्वेदी ने। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, सर गुलाम नबी आजाद अब कांग्रेस के नहीं रहे। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस की गुलामी से मुक्त हुए हैं। इतने सालों से जो भरा पड़ा था ना, आज उससे मुक्ति उन्होंने पाई है, क्योंकि कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही है। कांग्रेस का नेतृत्व तो अप्रासंगिक हो गया, केवल एक परिवार तक कांग्रेस सिमट के रह गई है। सर मध्य प्रदेश में क्या असर होगा इसका? मध्य प्रदेश में असर क्या, पूरे देश में असर है। कांग्रेस पूरे देश के अंदर खत्म हो गई। मध्य प्रदेश में तो हालात ये बने कि कमलनाथ जी गाड़ी में से टाटा बाबा करते हैं, केवल जमीन पर तो कहीं जा ही नहीं सकते। और बात करते हैं बूथ सशक्तिकरण की, बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी से कॉम्पीट करने की। भारतीय जनता पार्टी का संगठन वैचारिक संगठन है और पीढ़ियों ने इसको खड़ा किया है खपा करके। कमलनाथ जी, आप और नकुलनाथ दोनों को खपाना पड़ेगा, तब जाकर के आपको कुछ लगेगा कि हम कुछ खड़े हुए हैं। ऐसे मजबूत स्तंभ आगे भी लग रहा है क्या? आप देखिए, कांग्रेस पूरे देश के अंदर आज अल्पसंख्यक समुदाय को भी ये लगने लगा कि कांग्रेस केवल हमारा दुरुपयोग करती रही और केवल फूट डाल करके राज करो की नीति पर ही कांग्रेस चलती रही, तो उनको भी लगने लगा है। अब तो ऐसे लोग क्या करेंगे, राहुल गांधी के नेतृत्व में लोग कैसे काम करेंगे? तो ये दिखाई दे रहा है, लोग छोड़ के जा रहे हैं। ये साफ तौर पर देख पा रहे हैं वीडी शर्मा, जिनका कहना है कि इस तरह के जो स्तंभ हैं कांग्रेस में लगातार छूटते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी इसका असर होगा। कैमरामैन खेमचंद के साथ राकेश चतुर्वेदी, News 24 भोपाल। उधर वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कांग्रेस पर तंज कसा है। नरोत्तम मिश्रा ने, उन्होंने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस निकाल रही है, लेकिन कांग्रेस छोड़ो यात्रा चल रही है। धारा 370 हटते ही जम्मू कश्मीर में आजादी की बयार चल रही है। गुलाम नबी आजाद ने इस हवा को और ज्यादा तेज कर दिया है। तो देखिए किस तरीके से इस बयान के सियासी मायने निकाला जाए। धारा 370 हटा दिया गया है और गुलाम नबी आजाद के बीजेपी के साथ भी अच्छे इक्वेशन है। गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि वो अब जम्मू कश्मीर जाएंगे, नई पार्टी का गठन करेंगे, चुनाव भी होना है। देखना होगा क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है जम्मू कश्मीर की सियासत की। भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ होने के पहले कांग्रेस छोड़ो यात्रा प्रारंभ हो गई है। इस सप्ताह में 3 विकेट हो गए। आनंद शर्मा ने पहले पद छोड़े, गुलाम नबी आजाद जी ने कांग्रेस छोड़ दी, परसों उनके प्रवक्ता ने कांग्रेस छोड़ी थी।
मैंने पहले ही कहा था कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाले। भगदड़ का आलम है, कांग्रेस एक डूबता जहाज है। धारा 370 हटी तभी से कश्मीर में जम्मू में आज़ादी की बयार चल रही थी। आदरणीय गुलाम नबी आज़ाद जी ने कांग्रेस छोड़ के इस हवा को और तेज कर दिया। दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद के पार्टी से इस्तीफे पर बीजेपी नेता ने निशाना साधा है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर नेताओं का सम्मान नहीं होता है, तो वहीं आजाद की बीजेपी से संपर्क के सवाल पर टिप्पणी से उन्होंने इनकार कर दिया है। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखता हूँ कि मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूँ कि कांग्रेस के अंदर सम्मान लोगों का नहीं होता है। अब जब सम्मान नहीं होगा, लोगों की सुनी नहीं जाएगी, तो वो अपना दुख किससे कहेंगे? तो वो अपने घर बैठे या दूसरी पार्टी में। गुलाम नबी आज़ाद एक अच्छे व्यक्ति है और उन्होंने उनके निश्चित रूप से उनके कहीं ना कहीं सम्मान को ठेस पहुंची होगी, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। जी हाँ, नक्सलवाद पर अंतिम प्रहार, खत्म होगा नक्सलवाद। रायपुर में यूनिफाइड कमांड की बैठक हुई। नक्सल मोर्चे से जुड़े अधिकारी के साथ सीएम बघेल ने बैठक की, तो वहीं बैठक में रणनीति को लेकर चर्चा की है। बैठक में राज्य और केंद्रीय बलों के बीच तालमेल बढ़ाने पर जोर दिया, तो वहीं नक्सल ऑपरेशन में तेजी लाने का फैसला लिया गया। तो वहीं बैठक में केंद्रीय गृह विभाग के सचिव सहित राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी, डीजी, पैरामिलिट्री फोर्स और सीआरपीएफ के साथ साथ विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के सामूहिक प्रयास से नक्सली घटनाओं में कमी आई है। तो नक्सलवाद को किस तरीके से जड़ से उखाड़ कर फेंकना है, इसको लेकर लगातार बघेल सरकार प्रतिबद्ध है। बीते दिन गृहमंत्री अमित शाह ने भी इसकी तारीफ की थी। आज भी इसको लेकर बैठक हुई है और कोशिश ये की गई है किस तरीके से केंद्र और राज्य एक अच्छे सामंजस्य के साथ काम करें और नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ कर फेंकने की प्राथमिकता बघेल सरकार की रही है। आज जिसको लेकर बाकायदा फोकस किया गया, कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई, लेकिन प्राथमिकता नक्सलाइट पर थी। तो उस समय बैठक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्स के जवान और डीजीपी, सीआरपीएफ की बात की जाए, पैरामिलिट्री की तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे और आगे की रणनीति बनाई गई किस तरीके से छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त करना है। तो नक्सल ऑपरेशन तेज होगा, बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। यूनिफाइड कमांड की बैठक में यह रणनीति बनाई गई है क्योंकि ऑपरेशन को तेज करने से जाहिर सी बात है असर जरूर पड़ेगा। राज्य और केंद्र बलों के सामंजस्य पर जोर दिया गया है, सेंट्रल फोर्स, स्टेट पुलिस के बीच अच्छा तालमेल हो। सीएम का यह भी कहना है नक्सल इलाके में कई कैंप खोले गए हैं और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से विकास कार्य को बढ़ाया जा रहा है। बीजापुर, सुकमा में लोगों को पहले से राशन कार्ड नहीं था और राशन कार्ड, आंगनवाड़ी और साथ साथ स्कूल भी खोले गए हैं। छत्तीसगढ़ की पुलिस जब से हमारी सरकार बनी है तब से आपने देखा हो, चाहे नक्सल मोर्चे में हो, उसके कार्यकाल में होता यह था कि कैंप में हमला होते थे, जवान शहीद होते थे। हमारे कार्यकाल में हमारे जो जवान हैं वो नक्सली मान में घुस के मोर्चा ले रहे हैं और उनको नुकसान पहुंचा और पीछे हटे। हमारे जवानों ने शहादत भी दी लेकिन उसे पीछे धकेलने में सफल रहे। तो राज्य और केंद्र बलों के बीच तालमेल पर जोर दिया गया, सेंट्रल फोर्स, स्टेट पुलिस के बीच अच्छा तालमेल रहे, सीएम का यह भी कहना है। नक्सल इलाके में कई कैंप खोले गए, स्कूल खोले गए, आंगनवाड़ी खोले गए और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास की को गति दी जा रही है, कार्य कहीं किए जा रहे हैं। बीजापुर, सुकमा में लोगों को पहले राशन कार्ड नहीं था लेकिन अब वहां पर सुविधाओं की बयार बह रही है। उधर भिंड की बात करते हैं जहां पर चंबल नदी के ने जमकर कहर बरपा दिया है। जिले के बाढ़ प्रभावित इलाके अटेरा में बाढ़ के हालातों का जायजा लेने के लिए राज्य के सहकारी मंत्री और अटेरा विधायक अरविंद भदौरिया पहुंचे। इस दौरान सहकारी मंत्री ने वोट के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया।
इस मौके पर सहकारिता मंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि गांधी सागर डैम और कोटा बैराज डैम से दो दिन पहले ही छोड़े गए 12,500 क्यूसेस पानी और प्रतिदिन 6,000 क्यूसेस पानी के रिलीज होने से चंबल नदी उफान पर है और जिले के दो दर्जन से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। प्रशासन हमारा पूरी तरीके से मुस्तैद है, किसी को कोई घटना दुर्घटना कोई कैजुअलिटी ना हो जाए। रात दिन अभी मैं नावली बंदा बन गए तो ना पूरा हमला था हमारे इनका, अपने कलेक्टर महोदय का भी था और हमारे एसपी के पुलिस वाले भी सभी लोग थे। तो इसलिए ये भी करें, अभी मैंने ये भी बातचीत की है कि ऐसे बाढ़ें तो लगातार चलेगी, बारिश होगी तो बाढ़ें भी आएंगे, तो उसका अल्टरनेट व्यवस्था क्या हो सकती है जिस पे हम लोग आगे वर्किंग करेंगे कि ये व्यवस्था है, जैसे वहाँ से कुछ लोग को उठा के अटेर के आसपास कोई सरकारी भूमि में कैसे क्या हो सकते हैं, उसकी विधि सम्मत प्रक्रिया को पूरे करके हम लोग आगे बढ़े। इस समय मैं मौजूद हूँ भिंड जिले के अटेर क्षेत्र में, जहाँ पर जो चंबल है, चंबल उफान पर है, मुख्यालय से कई गाँव का जो संपर्क है वो टूट चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं NDRF की टीम और यहाँ पर तैनात की गई है और साथ ही जो पुलिस बल है, पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया का यह विधानसभा क्षेत्र है, अरविंद सिंह भदौरिया यहाँ अभी पहुँचे हैं और जो पुलिस बल है, पुलिस बल के साथ और NDRF टीम के साथ बोट में पहुंचकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में ग्रामीणों के बीच पहुंच रहे हैं। लोग पानी से बचने के लिए अपने जो संपर्क के लोग हैं उनसे लगातार संपर्क की करने का प्रयास कर रहे हैं और प्रशासन भी उन लोगों की मदद में जुटा हुआ है। भिंड से News 24 के लिए NK पटेल। चलिए बात करते हैं अब राजधानी भोपाल की, जहां पर बाढ़ को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। वो लगातार बैठकें कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठक की, उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए, साथ ही साथ अधिकारियों को सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। 8 से 10 जिलों में फसल तबाह हुई है और रायसेन, विदिशा, गुना, सीहोर, छिंदवाड़ा, ये तमाम ऐसी जगह जहां पर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। बालाघाट, भिंड, मुरैना, राजगढ़ में भी फसलों का काफी नुकसान हुआ है और मुरैना में घट रहा है चंबल नदी का वाटर लेवल। वहीं विदिशा की बात की जाए तो विदिशा में बेतवा खतरे के निशान से 13 फीट नीचे है और ग्रामीण इलाकों में बिजली बहाली का कार्य भी लगातार जारी है। विदिशा का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अभी भी डूबा हुआ है। श्योपुर की बात की जाए तो यहाँ पर डूबे प्रभावित इलाकों में कार्य तेजी जोरों पर है। तो लगातार बैक टू बैक बैठकें कर रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान, अधिकारियों के साथ उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। उधर बिलासपुर की बात करते हैं, जहां पर गणेश मंदिर में चोरी, भगवान गणेश की प्रतिमा ले उड़े बदमाश और हथियारबंद बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। मंदिर के पुजारी को बंधक बनाया गया और वारदात को अंजाम दिया गया। मस्तूरी के पाली इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। बिलासपुर की खबर है जहां पर गणेश मंदिर में चोरी हुई है, भगवान गणेश की प्रतिमा को बदमाश उड़ा ले गए, हथियारबंद बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। लोग अंदर घुसे और उन्होंने पहले उसके हाथ और पैर को गमछे से बांध दिया और उसके बाद ब्राउन टेप से उसके मुंह पर भी टेप लगा दिया और फिर उससे मंदिर के जो ताला है उसकी चाबी की मांग करने लगे। उसके द्वारा बताया गया कि चाबी पैंट में ही रखी है, उन्होंने उस पैंट से चाबी निकाली और फिर मंदिर के ताले को खोलकर वहां से करीब 1.5 फुट की जो गरुड़ गणेश की मूर्ति है, ब्लैक ग्रेनाइट स्टोन की ये मूर्ति है, उसको वहां से चुरा कर ले गए हैं। इस पर सभी अधिकारियों को विभिन्न टीम्स में विभाजित करके लगातार प्रयास किया जा रहा है पतासाजी करने का। तो इस स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे आप News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।